एस आई एस, क्या है ये एस आई एस? एस आई एस मतलब स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इसमें है जो स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप है जो इसमें किस प्रकार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और यदि आप पासवर्ड भूल गए हो तो वो भी आपको करके दिखाऊंगा, और साथ में यदि आप यूज़र आई डी भूल गए हो तो वो भी मैं यहाँ पर आपको करके दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, 2020 में एस आई एस की सभी को जरूरत पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसी में आपके क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं फाइनल ईयर के। तो दोस्तों ये है जो सभी को करना रहता है फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर के स्टूडेंट को। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दिखाने वाला हूँ कि आप इस जो अपने मोबाइल से इसमें किस प्रकार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एस आई एस पर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले यहाँ पर सर्च करना होगा MP ऑनलाइन, और सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले पहली वाली लिंक पर क्लिक करना होगा। और आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ये जो कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे नागरिक सेवा पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्या, आपको एक ऑप्शन से यहाँ पे दिख जाएगा विश्वविद्यालय पर, आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद आपकी सारी MP में जो भी यूनिवर्सिटी है ना उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो SIS पर जो रजिस्ट्रेशन होता है वो यूनिवर्सिटी पर होता है, ना कि कॉलेज पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जो आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे MP की ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पे दिए गए। ये देखिए ये दोस्तों, ये जीबाजी है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बरकतउल विश्वविद्यालय की, ठीक है, यूनिवर्सिटी पर। और आप लोग यदि भोज के हो तो भोज पर क्लिक कर लीजिए, अटल बिहारी के हो तो आप उस पर कर लीजिए, यदि आप देवी अहिल्या के हो तो उस पर आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ बरकतउल विश्वविद्यालय पर, और क्लिक करने के बाद इसके है जो ऑफिशियल पेज पर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। आ जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली नीचे जाना होगा, और यहाँ पर आपको ढूंढना होगा, क्या ढूंढना होगा, SIS यानी कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम रजिस्ट्रेशन फॉर SIS ओनली फॉर इनरोल्ड स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास इनरोलमेंट नंबर है तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अप्लाई पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा, और क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। यहाँ पे आपको डाल देना है आपका इनरोलमेंट नंबर, और यहाँ पे आपको डाल देना है डेट ऑफ बर्थ। अब इनरोलमेंट की हम बात करें तो इनरोलमेंट आपके जो मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगा, और यदि आपके पास नहीं है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं आपको कॉलेज से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ये वेबसाइट इतनी डेवलप नहीं है कि आपका एनरोलमेंट नंबर ये ढूंढ के दे दे, ठीक है। तो आपको या फिर आपके दोस्त से कॉन्टैक्ट करना होगा जो कि आपके एग्जाम में पास बैठता होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से ले सकते हो, और यहाँ पर कैप्चा दिया गया है, आपको इसका आंसर देना है और इसके बाद सिंपली सर्च पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो एनरोलमेंट नंबर डाल के और सर्च करके आपको आगे की प्रोसेस दिखा देता हूँ। दोस्तों आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका कॉलेज का नाम और आपकी फोटो वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। ये पूरी जो आपको ओपन हो जाएगी, यहाँ पे एक नोटिस दिया गया है कि भाई आपका जो एनरोलमेंट नंबर है ना वही आपका यूजर आईडी होने वाला है, आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। ऐसा इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको डाल देना होगा आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको डाल देना होगा आपकी ईमेल आईडी। दोस्तों बिल्कुल आपको केयरफुली डालना होगा ये दोनों चीज। यहाँ पे जो आपको क्या है कि ब्लड ग्रुप चूज कर लेना होगा, यदि आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता तो आप इसमें B+ ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपको एक हिंट का क्वेश्चन सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, जो कि यदि आप पासवर्ड भूल जाते हो तो बिल्कुल आप जो इसको रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको सही करूंगा, यहाँ पे जो आप बर्थ सिटी पर सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे उसका आंसर यानी कि आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है वो आपको यहाँ पे डाल देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आप एक को एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पासवर्ड मैं आपको बता दूं कि पासवर्ड आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तो आप पासवर्ड बना लीजिए, आपके पिताजी का नाम, इसके अलावा आपके नंबर बना लीजिए, उसी में डाल दीजिए, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर डालकर आप जो अपना पासवर्ड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और पासवर्ड को आप लिख लीजिए क्योंकि ये बार बार आपके काम आने वाला है, और एक बार फिर से आपको इस पासवर्ड को कंफर्म करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल के वो सबमिट करके आपको सिंपली आगे की प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो आप लोग को पासवर्ड इस तरह डालना होगा, ये देख ले यहाँ पे बता रहा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। तो मैंने पासवर्ड में क्या डाला है कि मैंने करीब 10 अंकों का तो एक नाम डाल दिया, और इसके बाद मैंने कुछ नंबर डाल दिए, और इसके बाद कुछ मैंने स्टार हेज
एट द रेट, इनमें से कोई भी मैंने आप डाल सकते हो, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे डाल दिया है और फिर यहाँ के ये बता रहा है कि भाई आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और इसके बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार वो सबमिट करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टोटल 25 रुपए की फीस पे करना होगा, जिसमें GST इंक्लूड नहीं है। टोटल आपको 25 रुपए की फीस पे करना होगा। तो चलिए मैं आपको आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। इसके लिए आपको सिंपली नीचे जाना होगा, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और यहाँ पे जो आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ जानकारी और दी गई है। ऑनलाइन SIS में रजिस्ट्रेशन करने एवं शुल्क भुगतान करने की सुविधा सीधे छात्रों को उपलब्ध कराई गई है, अतः छात्र स्वयं रजिस्ट्रेशन करें एवं भुगतान एवं शुल्क का भुगतान करें, किसी अन्य व्यक्ति या इंटरनेट कैफे से किए गए भुगतान हेतु छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे। यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मान्य वैलिड तब होगा जब आप इसका ऑनलाइन भुगतान कर दिए गएंगे, ठीक है। और भुगतान करने के बाद आपको इसमें QR कोड, ट्रांजेक्शन ID और पेमेंट डेट और चैनल ID का विवरण स्पष्ट रूप से हो, अन्यथा रजिस्ट्रेशन स्वतः ही आपका निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली प्रोसेस टू पेमेंट पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके सामने जो कुछ इस टाइप का पेमेंट गेटवे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो किसी से भी, ठीक है। देखिए आप लोग बोल रहे थे कि भाई डेबिट कार्ड से कर सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे सब ऑप्शन है। आपको नेट बैंकिंग फ्री, नेट बैंकिंग फॉर ऑल बैंक, ठीक है, आप किसी बैंक से कर सकते हो, बिल्कुल ये फ्री है, ठीक है। और इसके बाद ओनली फॉर SBI कार्ड अकाउंट होल्डर से भी आप कर सकते हो। और यदि आपके पास ATM कार्ड है, यानी कि डेबिट कार्ड है, ATM और डेबिट कार्ड एक ही होता है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप ATM का नंबर डालोगे, उसका CVC नंबर डालोगे, आपके ATM कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा, आप उस OTP को वहाँ डालोगे, आप वहाँ से इसको पे कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि आपके पास पेमेंट करने में कोई दिक्कत भी आ रही है तो आप मुझे इसी वीडियो के ठीक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भाई मुझे दिक्कत आ रही है मुझे फॉर्म डालने में, आप मेरा फॉर्म डाल दो, ठीक है। और साथ में आपको मोबाइल नंबर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, मैं आपका फॉर्म बिल्कुल घर से ही डाल दूंगा, आपको बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ SBI के अकाउंट से, ठीक है। तो आपको ओनली फॉर SBI अकाउंट होल्डर्स पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा, ये देखिए। क्लिक करने के बाद ये देखिए बरकतउल यूनिवर्सिटी की 25 रुपए की पेमेंट है, आपको सिंपली सबमिट कर देना होगा। यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन ID दी गई है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही काम आपके आने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये देखिए यहाँ पे पेमेंट गेटवे आ जाएगा, आप अपनी यूजर आई डालिए और पासवर्ड डालिए और यहाँ पे अपनी पेमेंट को बिल्कुल सक्सेसफुल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार यहाँ पे मैं पेमेंट करने के बाद, पहले यहाँ पे यूजर आई और पासवर्ड मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। नेट बैंकिंग की यूजर आई और पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने जो कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप इस पेमेंट को एक बार कंफर्म कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको कंफर्म करके दिखा देता हूँ। कंफर्म करने के बाद आपके मोबाइल फोन पर एक OTP सेंड कर दिया गया है, उस OTP को यहाँ पे आपको डालना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे OTP डालकर कंफर्म करके आपको आगे की प्रोसेस दिखा देता हूँ। दोस्तों अब देखिए मैंने यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन कर दिया है, पूरी पेमेंट भी मेरी सक्सेसफुल हो चुकी है, अब मुझे यहाँ पे लॉगिन करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जब भी आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे तो आपको सिंपली यहीं पे लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है लॉगिन वाला, इस पर आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे सिलेक्ट करना होगा क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिल जाता है आपको स्टूडेंट। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है स्टूडेंट पर, आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा और आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पे आपको यूजर आईडी में डालना होगा। बिल्कुल आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वही आपका यूजर आईडी भाई, यहाँ पे आपका पासवर्ड जो कि अभी आपने बनाया था, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो सिंपली कैप्चा टाइप का दिया होता है इसको आपको डाल देना है और इसका सिंपली लॉगिन कर देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद आपका फोटो वगैरह यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सिंपली यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा प्रिंट वाला सबसे नीचे, उस प्रिंट पर क्लिक कर आप इस प्रिंट को PDF में कन्वर्ट कर करके और अपने मोबाइल फोन में इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही पूरा अपडेट था, मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रिंट को इस प्रकार यहाँ पे लॉगिन कर ही आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए पूरा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप पासवर्ड भूल गए हो तो इसको किस प्रकार रिसेट कर सकते हो। फ्रेंड्स यदि आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन ले लेना, वापस से आपको इसी पोर्टल पर आना है और यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है सबसे नीचे फॉरगेट पासवर्ड वाले, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा और क्लिक करने के बाद आप जो इस वेबसाइट पर वापस से आपको MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर ये फेंक देगा। तो आपको सिंपली करना है कि नागरिक सेवाओं पर वापस से आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा विश्वविद्यालय पर, आपको सिंपली क्लिक करना होगा और
क्लिक करने के बाद वापस से आपको अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे बीयू को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, फॉरगेट यूजर आईडी फॉर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई करना होगा, और ये देखिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको वापस से अपना इनरोलमेंट नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, हिंट का यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि भाई हिंट का क्वेश्चन आप क्या रखोगे, मैंने आपको बताया था कि बर्थ सिटी आपको रखना है ताकि आप अच्छे से याद कर सको, और उसका आंसर यहाँ पे आपको लिख देना है, इसके बाद कैप्चा फिल कर देना है और सबमिट आपको कर देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखा देता हूँ आगे की प्रोसेस। आपको बता दूं ये वीडियो लेट अपलोड इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने काफी यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ट्राई किया, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ बता था कि भाई आपका एनरोलमेंट ये डालिए, आपके डेट ऑफ बर्थ ये डालिए, हिंट का क्वेश्चन ये डालिए, तो मतलब ये बिल्कुल ये मैं पूरी सही चीज डाल रहा हूँ, बिल्कुल एनरोलमेंट नंबर करेक्ट है, पासवर्ड भी बिल्कुल, मतलब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल करेक्ट है, फिर भी इस पैक को यहाँ पे एक बग ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप सुबह शाम में ट्राई कीजिए, आपका पासवर्ड है जो फॉरगेट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए काफी लेट हो गया, मैंने कुछ 3 से 4 बार ट्राई किया, तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं ये पोर्टल इतना डेवलप नहीं है कि आप लोग सोच रहे हैं, बिल्कुल इस पे थोड़ा सा लोड होने पर ये यहाँ पे डाउन हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए पूरा आप यहाँ पे इस प्रकार अपना पासवर्ड यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही पूरी जानकारी थी, मैंने आपको बता दी बिल्कुल ए टू जेड जानकारी मैंने बता दी है। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।